बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दो दिवसीय दौरे पर राजसमंद के नाथद्वारा पहुंची, जहां विधायक दीप्ति माहेश्वरी और पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने उनका स्वागत किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे विश्वास स्वरूपम स्थल पर आयोजित संत मुरारी बापू की रामकथा में भी शामिल हुई, जहाँ संत बापू का आशीर्वाद लेने रामकथा का श्रवण भी उन्होंने किया। इस दौरान वसुंधरा राजे कथा स्थल पर पहुंची तो संत सनातन संस्थान के संस्थापक मदन पालीवाल ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने कहा कि मुरारी बापू से मिलना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। बापू से मिलकर और उनकी कथा का श्रवण करने से एक अलग ही खुशी की अनुभूति होती है। मैं जब भी बापू आते हैं तो ये तो हमारा वो भाग्य सौभाग्य जो भी कहो आप हो जाता है, मिल जाता है कि भाई उनके सामने बैठ के उनके कथा को श्रवण करने का जो मौका मिलता है वो अपने आप में ही अलग मजा रहता है। श्रीनाथ जी के भूमि पर शिव जी की इस मूर्ति को नमन करते हुए आज बापू की कथा के अंदर रहने का मौका और उनकी बात को सुनना, उनके इतने सुंदर वचन को सुनना हम लोगों को मौका मिला।